आज हम लोग हलवाई जिस तरह से आलू की छिलके वाली सब्जी बनाते हैं उसी तरह से घर पर बनाएंगे। ये सब्जी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। अगर आप ये रेसिपी फॉलो करके सब्जी बनाएंगे तो आपकी सब्जी भी हलवाई की तरह बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो चलिए ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं हूँ मेरे किचन में आपका स्वागत है। सब्जी बनाने के लिए हमें चाहिए 2 बड़ी साइज के आलू, 1 टमाटर, 2 मीडियम साइज की प्याज, 8 से 10 कली लहसुन और एक छोटा टुकड़ा अदरक का। गरम मसाले में हमें चाहिए साबुत धनिया जो कि 1 टेबलस्पून है, 10 से 12 काली मिर्च है, एक छोटा टुकड़ा जावंत्री का है यानी कि एक पत्ती मैंने उसके ली है, 1 बड़ी इलायची और एक छोटा टुकड़ा तेज पत्ते का, और 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर अभी शाहजीरा लिया है। आपके पास शाहजीरा नहीं है तो आप नॉर्मल वाला जीरा भी ले सकते हैं। अब इसे हम मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा शाहजीरा हम तड़के में डालने के लिए रहने देते हैं। इसे हमें बिना पानी डाले दरदरा ही कूट लेना है। ध्यान रहे कि तेज पत्ता और जावंत्री आप ज़्यादा ना डालें। ये मसाला इतनी सब्जी के लिए ही है। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा दें। तड़के के लिए मैंने 5 टेबलस्पून तेल रखा है। तेल गरम हो जाने पर उसके अंदर शाहजीरा डालें और फिर आधा चम्मच हींग डाल दें। साथ में 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाल देते हैं। अब इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। प्याज को मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो मिक्सर ग्राइंडर में इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। प्याज को हम हल्का गुलाबी होने तक भून लेते हैं जिसमें हमें 2 से 3 मिनट का समय लगेगा। गैस की फ्लेम को हम मीडियम और हाई के बीच में रखेंगे और चलाते हुए उसे भून लेंगे। इतनी क्वांटिटी में से आप 3 से 4 लोगों के लिए ये सब्जी तैयार कर सकते हैं। प्याज हमारे अच्छी तरह से अभी भून चुके हैं। उसका कलर भी है जो वो हल्का सा गुलाबी हो गया है। अब इसके अंदर हम अदरक और लहसुन की पेस्ट डालेंगे। जब भी आप ये सब्जी बनाएं तो अदरक और लहसुन की पेस्ट आप उसी समय पर बनाएं। अगर आप फ्रिज में बनाकर उसे रख रहे हैं तो वो वाली पेस्ट ना डालें। आप ये ताज़ी पीस कर पेस्ट डालेंगे तो सब्जी में उसकी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगी। अदरक और लहसुन को भी हम 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं। अगर आप लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है। अभी हमारा जो लहसुन और अदरक है वो अच्छी तरह से भून चुका है तो इसके अंदर हम टमाटर डालेंगे। टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया था। आप चाहे तो इसे भी मिक्सर जार के अंदर ग्राइंड करके डाल सकते हैं। टमाटर डालने के बाद उसके अंदर हम सारे मसाले भी डाल देंगे ताकि टमाटर के साथ वो भी अच्छी तरह से भून जाए। अगर मसाले कच्चे रहते हैं तो सब्जी में बढ़िया फ्लेवर नहीं आता है। सबसे पहले हम इसके अंदर डालेंगे नमक स्वाद के हिसाब से। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून नमक डाला है। अब इसके अंदर हम डालेंगे लाल मिर्च। ये सब्जी तीखी होती है तो यहाँ पर मैंने 3 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। हमने जो दरदरा मसाला कूटकर तैयार किया था वो डाल देंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से ये मसाला बनाकर उसके अंदर डालेंगे सब्जी में तो बहुत ही बढ़िया उसकी खुशबू आएगी। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालें ताकि आपकी सब्जी ज़्यादा तीखी ना हो लेकिन उसका जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया लाल आए। आपने देखा होगा कि हलवाई लोग सब्जी बनाते हैं तो उसका जो कलर होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। कलर देख के ही हमें वो खाने का मन होता है। तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डालें तो आपकी सब्जी में बहुत बढ़िया कलर आएगा। अभी मसाले भी अच्छी तरह से इसके अंदर भून चुके हैं तो अब इसके अंदर हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद गैस की फ्लेम को हम फास्ट कर देंगे और पानी को अच्छी तरह से उबलने देंगे। पानी को हमें अच्छी तरह से उबलने देना है ताकि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छी तरह से पक जाए। अब देख सकते हैं कि हमारी जो ग्रेवी है उसका कितना बढ़िया लाल कलर अभी आ गया है। अब इसके अंदर हम एक सीक्रेट चीज डालेंगे जो हलवाई लोग डालते हैं जब भी वो सब्जी बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच गेहूं का आटा लिया था और उसे पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। इस तरह से गेहूं का आटा पानी में मिक्स करके डालने से ग्रेवी में बहुत ही अच्छा बाइंडिंग आ जाता है। अक्सर हम लोग ग्रेवी को बाइंड करने के लिए चने का आटा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन
जब आप ये छिलके वाले आलू की सब्जी बनाएं तो गेहूं का आटा डालें, उससे सब्जी में बहुत ही बढ़िया थिकनेस आएगी, यानी कि आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही गाढ़ी बनेगी। इसे हम कवर कर लेते हैं और जब तक हमारी ग्रेवी उबल रही है तब तक हम आलू तैयार कर लेते हैं। आलू मैंने अच्छी तरह से पानी से 2 से 3 बार साफ कर लिए थे, आलू के हमें छिलके नहीं निकालने हैं। ये सब्जी में आलू हमें बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करने हैं, तो उसे ज्यादा छोटे टुकड़ों में कट ना करें, इस तरह से बड़े टुकड़े तैयार करें। आलू को आप जब भी आपकी ग्रेवी उबल रही हो तभी कट करें ताकि ये काले ना हो जाए। अभी हमारी ग्रेवी उबल चुकी है, मिक्स कर लेंगे इसे एक बार और फिर हमने जो आलू कट करके रखे हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। जब ग्रेवी अच्छी तरह से उबल जाए तब गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पर इसे ढककर पकाएंगे। आलू को पकने में कम से कम 12 से 14 मिनट का समय लगता है और अगर आप ये सब्जी ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो आपको समय भी थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा। इसे हम कवर कर लेते हैं। 3 से 4 मिनट के बाद इसे हम एक बार चला लेंगे। सब्जी को हमें 3 से 4 मिनट के बाद इस तरह से चला लेना है। तो जब तक हमारी सब्जी पककर तैयार होगी बीच बीच में हम इसे 2 से 3 बार इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे ताकि आलू जो है हमारे वो अच्छी तरह से पक जाए। आलू पकाते पकाते हमें 13 से 14 मिनट हो गए हैं। सब्जी को मैंने बीच बीच में 2 से 3 बार इस तरह से चलाते हुए मिक्स कर लिया था। अभी जो हमारे आलू है वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, लेकिन फिर भी हम उसे एक बार चेक कर लेते हैं कि आलू हमारे अच्छी तरह से पके हैं कि नहीं। तो आलू हमारे अभी पककर तैयार है। जब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाए तब इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच धनिया जीरा पाउडर डालेंगे। ध्यान रहे कि सब्जी तैयार हो जाने पर ही हमें ये धनिया जीरा पाउडर डालना है। इस तरह सबसे लास्ट में धनिया जीरा पाउडर डालने से सब्जी में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, यानी कि सब्जी की जो खुशबू है वो बहुत ही बढ़िया आती है और हमारी जो ग्रेवी है वो भी गाढ़ी हो जाती है। धनिया जीरा पाउडर डालने के बाद इसे हम बिना कवर लगाए 1 से 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। अभी ये तैयार है सब्जी। अभी आपको ये जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी पतली लग रही है, लेकिन जब ये सब्जी 10 से 15 मिनट के बाद ठंडी हो जाएगी तो ये ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाएगी। तो जब आपकी सब्जी में इस तरह की ग्रेवी हो तो आप गैस बंद कर दें। अगर आप इसे और उबलने देंगे तो आपकी जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाएगी और जो सब्जी है वो ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया इसके ऊपर हम डाल देते हैं। तो अभी हमारी हलवाई जैसी छिलके वाली आलू की सब्जी बनकर तैयार है। आप ये सब्जी को पराठा, रोटी या फिर पूरी के साथ सर्व कर सकते हैं। किसी के भी साथ ये सब्जी खाने में बहुत ही बढ़िया लगती है। तो हलवाई वाली ये सब्जी आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और रेसिपी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।